प्ले करने वाला है सर, क्या बोला सर उस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रघु जी का, खास तौर पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, बहुत धन्यवाद है। मैं ऐसी हर सेवा जो दैविक इसीलिए कहूँगा क्योंकि उस सेवा से जो निकलती हुई जो कृपा है उसमें लोगों के उपचार होते हैं और उपचार से ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से लोग निकलते हैं। उसमें आज मैं जो कहा करता हूँ कि सफल है मतलब ईमानदार है और ईमानदार है मतलब सफल है, तो ये जो नमः होम्योपैथी है उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने जो उपचार करवाए और वो आज स्वस्थ हुए हैं, तकलीफ़ से बाहर निकले हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे आज आप लोगों ने आमंत्रित किया और शुभेच्छा प्रदान करता हूँ कि आगे बहुत से लोग, बहुत से कष्ट में और दुख भोगने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, वो उस तकलीफ़ से बाहर निकले, आप लोगों के माध्यम से बाहर निकले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। नमः होमिओपॅथीच्या माध्यमानं जे लोकांना जे त्यांचे जे कष्ट आहे, जे त्यांचे दुःख आहे, त्रास आहेत, त्याच्यातनं ते बाहेर पडले आणि जिथे जेवढे डॉक्टरगण इथे आले त्यांच्याचमुळे ते त्या लोकांनी ते घडू शकले। तर माझ्या शुभेच्छा प्रदान करतो, देवापायी प्रार्थना करतो की असेच चांगले सुदैव तुम्ही, तुमच्यामुळे सर्व सर्वसाधारण जनतेला म्हणा की परिवार लाभावे, शुभेच्छा प्रदान करतो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघुजी आप क्या कहना चाहेंगे नमः होम्योपैथी के बारे में, और स्वप्निल और गोविंदा जी खुद यहाँ पर आए हैं, कितना इम्पोर्टेंट? वी आर वेरी हैप्पी टू हैव गोविंदा जी एंड स्वप्निल जोशी जी हियर। गोविंदा जी आप सब जानते हैं, सबको इतने साल से हंसाया है। इसके लिए भी हम स्वस्थ होते, वी विल बी डिसीज फ्री व्हेन वी हैव स्मॉलर सो मच ऑफ स्माइल, सो मच ऑफ हैप्पीनेस इन अवर लाइफ्स, एंड दे हैव गिवन अस फ्रॉम द लॉन्ग इयर्स विथ लॉस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड स्माइल्स इनडायरेक्टली थ्रू आई मीन फ्रॉम द एंटरटेनमेंट मीडिया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर, एंड स्वप्निल सर थैंक यू वेरी मच। सो इवन दिस इज द पार्ट वेर वी कैन be very healthy. Abhi bahut sare laughing therapies, this, that, they are coming and we are taking in that, but indirectly they have made us very very healthy by bringing so many entertainment movies and making us laugh so many decades, and thank you very much for that sir. फार आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे, एक अत्यंत आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचा भाग होता आला। नमः होमिओपॅथीच्या संपूर्ण टीमचं, रघु सरांचं आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार। आज अनेक आनंदी पेशंट्सना भेटण्याचा योग आला, या निमित्ताने पुन्हा एकदा होमिओपॅथीची आणि डॉक्टरांची ताकद अधोरेखित झाली। या कोविडच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांनाच एवानं प्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे दोन्ही प्रकारे जाणवलं आहे की डॉक्टर्स म्हणजे परमेश्वराचं दुसरं रूप आहे, आणि या निमित्ताने पुन्हा एकदा ही गोष्ट अधोरेखित करता आली। नमः होमिओपॅथीच्या रघु सरांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा, मनपूर्वक अभिनंदन, आणि सर्व पेशंट्सच्या वतीने आणि समाजाच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार की इतकी चांगली सेवा ते रुग्णांची करत आहेत, आणि ईश्वर त्यांना अजून बळ प्रदान करो, ईश्वर त्यांना अजून शक्ती प्रदान करो, आणि त्यांच्या हातनं असंच लोकांचे उपचार होत राहोत आणि अधिकाधिक पेशंट्स बरे होत राहोत अशी ईश्वरची आणि प्रार्थना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पेशेंट्स के लिए डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एज पर दैट एंटरटेनमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो इज इट सो? मैंने कहा है उसमें से निकाल दीजिए।
we all love you, and love you media. It is a pleasure to see you. जब आप आते हैं, सवालों में जवाबों में आसान देते हैं. और बहुत मुश्किल होता है जब मैं गोविंदा की बात करता हूँ, उन्हें कहीं लेके आना या उनको किसी ब्रांड से एसोसिएट करना. आपको क्या खास लगा कि आपने कहा कि हाँ यार मुझे इसका हिस्सा बनना. उपचारों की खासियत नहीं देखी जाती है, उपचार अपने आप में ही बहुत बड़ी खास पूरी दुनिया की. मुझे ऐसा लगता है कि किधर 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 नहीं किधर तू पहले के जिनके भी माध्यम से उपचार हुआ करते हैं, जैसे अब लोग कह रहे हैं कि सौंदर्य से होता है, हास्य से होता है और होम्योपैथी से हुआ करता है, तो ये जो नमा होम्योपैथी है इनके माध्यम से उपचार हो रहे हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो भी टीम है उन सभी के लिए ये दैवत का कार्य है. इसे आप व्यापार से नहीं जोड़ पाए, इसमें मुझे लगता है कि शायद ही उतनी धनराशि भी लगती है. जो सर्वसामान्य जनता है, अब किसे कैसे वो सूट होता है ये उनका विषय है, परंतु जो मैं कह पा रहा हूँ कि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी, उन्हें कभी भी कष्ट होता था तो वो होम्योपैथी मेडिसिन लेती. तो होम्योपैथी जो है वो तकलीफ जड़ से निकालती है, उसके लिए वो फेमस है. और मैं धन्यवाद देता हूँ हर डॉक्टर का जो तकलीफ़ों से निकालते हैं. जैसे माता पिता और गुरु जो हैं वो प्रत्यक्ष दैवत में होते हैं, तो डॉक्टर भी किसी से कम नहीं है. अभी नमो होम्योपैथी के लिए आए हैं तो इन्हीं पे डिस्कस कीजिए. थैंक यू सो मच. प्रणाम सर. होम्योपैथी के लिए आज आया हूँ एंड बहुत अच्छा लगा आके. बहुत कमाल का काम हो रहा है. होम्योपैथी के माध्यम से हज़ारों लोगों को ठीक करने का काम नमा होम्योपैथी कर रही है एंड बहुत खुशी है इस बात की कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा मैं हो पाया. आदरणीय गोविंदा जी और मैं, हमने कुछ पेशेंट्स की बातें सुनी, हमने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड देखा सुना और बहुत अच्छा लगा देखकर कि नमा होम्योपैथी की टीम, रघु सर उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे ब्रिंगिंग अ स्माइल टू अ लॉट ऑफ फेसेस एंड वी विश देम मोर लक. आई विश देम मोर पावर एंड आई रियली विश एंड होप एंड प्रे कि उनके माध्यम से अधिकाधिक लोग उनके जीवन से वो रोग मुक्त हो जाए, पीड़ा मुक्त हो जाए एंड मे देयर स्माइल्स कम बैक, मे देयर फैमिलीज बी हेल्दी एंड मे गॉड ब्लेस देम ऑल. थैंक यू. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बताएं. और बाकी सिनेमा इन दिनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं रीजनल सिनेमा ने, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बात? मुझे बहुत खुशी है जब भी मराठी सिनेमा की बात होती है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है. आई थिंक इट्स बीन अ गुड ईयर सो फार. आने वाले टाइम में सम इंटरेस्टिंग मराठी फिल्म कमिंग, ज़रूर देखिए. मेरे आई थिंक दो वेब सीरीज आएंगी और दो फिल्म आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म. आज हम नमा होम्योपैथी के लिए आए हैं एंड आप सबसे गुजारिश है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए एंड गॉड ब्लेस ऑल द पेशेंट्स एंड मे एवरीबडी बी यू नो हेल्दी एंड वेल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.